ना मित्रों, और हमारे घर में भी जन्माष्टमी हो चुकी है, पूजा पाठ हो गया है, मम्मी खाना बनाने गई है और जल्दी है, और वो प्रसाद आरती सेवा सब कुछ हो चुका है। बस अभी थोड़ी देर में जाके हम भी अपना व्रत तोड़ेंगे। अभी कैसा लग रहा है पूजा करके डैडी? अरे कृष्ण से आपका एक अलग सा संबंध है। हाँ, श्री कृष्ण शुरू से ही मैं इनकी हूँ, क्योंकि हमारी जो बुआ थी, हाँ, हालांकि मुंह बोली थी लेकिन असली से दादा उन्होंने हमको, उनका हमारे अंदर बहुत आया। हाँ। तो वो हमको बचपन में ही सुख सागर सुनाती थी। अच्छा। तो हम तो ही सुख से सुनते थे कि अब पूतरा आएगी, अब अघासुर आएगा, अब बकासुर आएगा, फिर मुष्टिक आएगा, एंड में जो है श्री कृष्ण जो है कंस को मार देंगे। तो ये तो वो सुख सागर जो है परीक्षित तक जाता है वैसे। हाँ। लेकिन हमको इसी में आनंद आता था। अच्छा। लेकिन हम श्री कृष्ण फिर बाद में तो पढ़ते गए तो जितनी श्री कृष्ण पे कविताएं लिखी गई हैं, हाँ, गीत लिखे गए हैं, शायद किसी और पे इतने नहीं है, शंकर भगवान पे भी है, लेकिन सर्वाधिक श्री कृष्ण पे। अच्छा। साहित्यकारों ने भी समझे। हाँ। तो इन्होंने कुछ ऐसा है, आप देखिए कि जो मुस्लिम थे वो आकृष्ट हुए। रस खान मानुष हो तो वही रस खान है ना। तो अब जो है उन जैसे लोग हुए, कृष्ण को सबने गाया। कृष्ण जो है एक ऐसे अवतार रहे हैं कि जिन्होंने संघर्ष किया है और उस संघर्ष पे विजय पाई है। हाँ, हर तरह की और अपनी सोच अलग रखी है उन्होंने। अच्छा। एक महापुरुष नहीं, कृष्ण अवतार से भी ऊपर है जो उन्होंने दिया है। और अब गीता को ही ले लो, गीता पढ़ते कितने। गीता हमको तो हमारे गुरु जी थे छठी क्लास में, हाँ, और सातवीं तक आते आते उनका नाम था मोहनलाल श्रीवास्तव। फिर वो यहाँ रामजस पाठ में आके टीचर हो गए थे। तो उन्होंने हमको गीता कंठस्थ करा दी थी। कृष्ण के प्रति मेरा बहुत है। अच्छा, फिर सामाजिक वो कितने थे तुम जरा अंदाजा लगाओ। उन्होंने अपनी कनिष्ठिका पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया, लेकिन सब ग्वाल बालों से लाठी लगवा दी। बोले कि मैंने अकेले नहीं, सबने मिलके। तो इस सामाजिकता का भी बहुत बड़ा था। जुला लीजिए डैडी, जुला लीजिए धीरे धीरे। ओम नमः भगवते वासुदेव।